हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कार्ट्रिज इंस्टॉल करनी है। ये कैनन का प्रिंटर है जिसका मॉडल नंबर है कैनन, जिसका मॉडल नंबर है कैनन जी 2012। ये कैनन का इंक टैंक वाला प्रिंटर है जो कि हमने अमेज़न इंडिया से परचेज़ किया था। काफ़ी अच्छी डील मिल रही थी हमें अमेज़न पर, वहाँ से हमने इस प्रिंटर को ख़रीदा और ये काफ़ी अच्छा प्रिंटर लगा हमें। इसको हमने 7,999 रुपये करीब में ख़रीदा है। ये इंक टैंक वाला प्रिंटर है, कलर ब्लैक दोनों ही प्रिंट करता है। अब इस वीडियो में हम आपको इसकी कार्ट्रिज इंस्टॉल करना बताएंगे। न्यू प्रिंटर है बिल्कुल, जैसी कार्ट्रिज निकली हैं बॉक्स में वही हम इंस्टॉल करेंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसके हेड को उठाना है, उसके बाद ब्लैक जहां लिखा हुआ है, इंडिकेशन दिया है ब्लैक, उस जगह ब्लैक कार्ट्रिज को रखना है और जहां कलर का इंडिकेशन दिया है वहां कलर कार्ट्रिज को रखना है। ओपन करने के बाद और जैसे ही आप रख देंगे, उसके बाद आपको इसके जो हेड है जो हमने उठाया था उसको आप नीचे पुश डाउन कर दीजिए और बस। फिर उसके बाद दो बटन जो ऊपर उठे हुए हैं उसको आप नीचे प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि ये कार्ट्रिज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो जाएंगी। और इस वीडियो में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं है, बस कार्ट्रिज इंस्टॉल करना ही हमने बताया है। इसकी अगली वीडियो रिफिल इंक की होगी, तो उस वीडियो को देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स।